नमस्कार दोस्तों, आज है 26 जनवरी भारतीय गणतंत्र दिवस। तो आज इसी दिन के अवसर पर हम भारतीय दूतावास जो कि बेल्जियम के ब्रसल्स शहर में, उसको विजिट दे रहे हैं और वहां पे जाके हम फ्लैग होस्टिंग अटेंड करने वाले हैं। फिलहाल अभी हम जस्ट घर के बाहर निकले हैं और यहाँ से भारतीय दूतावास जो है लगभग आधे घंटे के रास्ते पर। फिलहाल हम ट्रैम या मेट्रो से निकलने वाले हैं यहाँ से। चलो देखते हैं वहाँ पे जाके कैसा माहौल होने वाला है, कैसा फ्लैग होस्टिंग होने वाला है। आज का अपना एजेंडा जो है कुछ इस तरीके का, 10 बजे एक गेस्ट आने वाले हैं, उसके बाद 10:30 बजे फ्लैग होस्टिंग है, फिर उसके बाद करीब 11 बजे के आसपास प्रेसिडेंट का एड्रेस होने वाला है यहाँ पे, और फिर उसके बाद करीब 11:30 या 12 बजे के करीब कल्चरल प्रोग्राम्स है, फिर उसके बाद थोड़ा रिफ्रेशमेंट है। और ये जो सारे टाइमिंग्स हैं वो यूरोपियन स्टैंडर्ड टाइमिंग्स हैं, सो भारत में करीब तब 2:30 या 3 बजे होंगे। हम लोग अभी भारतीय दूतावास के बाहर पहुंच चुके हैं और फिलहाल हम अभी यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं और यहाँ पे ऑलरेडी सिक्योरिटी चेक्स वगैरह चल रहे हैं, हम वो फटाफट से कर लेते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि कैसा माहौल है अंदर, क्या क्या तैयारी की हुई है। चलो चलते हैं। जस्ट अभी हम सिक्योरिटी चेक करके अंदर आ गए और जो बेल्जियम में भारतीय दूतावास है उसका व्यू कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे पीछे जो है ऑलरेडी बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे एक्चुअल फ्लैग होस्टिंग होने वाला है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे देश में लागू हुआ था और इसी उपलक्ष में यह दिन हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। We begin this morning's program by unfurling of the national flag by Her Excellency the Ambassador of India, Shrimati Gayatri Isar Kumar. This would immediately be followed by singing of the national anthem, and you are requested to please join us in singing the national anthem along with us. गणतंत्र दिवस हम आज मना रहे हैं उसी उत्साह से, देशभक्ति की भावना से। विदेश में हम लोग विदेश में होंगे किंतु भारतीय राजदूतावास में ये मनाते हुए आप भारत की टेरिटरी पे हैं और इसलिए कहा जाता है कि दिस इज योर होम अवे फ्रॉम होम, सो वेलकम होम ऑन रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना।
of the day, Ashu is combining Ghumar and Chari. Chari is performed during Saraswati Puja with fire and lamps. Presenting to you Ghumar by Ashu. Appreciation to all the artists who perform today. Just अभी cultural program finish हुआ है और अभी हम रिफ्रेशमेंट के लिए रुके हुए हैं. यहाँ पे लाइन लगी हुई है, रिफ्रेशमेंट करते हैं. घर निकलने का, चलो निकलते हैं और मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. बाय बाय.